आपकी जिंदगी को सुखमय बनाएंगे, आपके जीवन को लंबा करेंगे और आपको हेल्दी बनाने वाले हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे ही प्लांट है जो आपको बिल्कुल हेल्दी तरीके से जिंदा रहने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता जी का उपवन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सबको पता ही है कि आजकल जो मौसम है दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में, आप सबको पता ही है कि बहुत ज़्यादा ऐसा बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि हमारी जो हवा है वो बहुत ज़्यादा मतलब पोल्यूटेड हो गई है। और एक तरह से कहूँ तो हम उसको सांस के द्वारा अगर हमने अंदर लिया तो हम बहुत सारी परेशानियों से जूझ सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां जो है वो हमें घेर सकती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही प्लांट के नाम बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी को लंबा करेंगे और आपके जीवन को सुखमय बनाने वाले हैं। जी हाँ, कौन कौन से वो प्लांट हैं तो चलिए आपको दिखाती भी हूँ, बताती भी हूँ और आपको उन सबको ग्रो करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊँगी। और बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आप गार्डनिंग कैसे कर सकते हो वो सब कुछ मेरे चैनल पर है। एक बार चैनल पर विज़िट ज़रूर करना। अगर आप चाहते हो कि हवा बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए तो आपको एलोवेरा का प्लांट ज़रूर लेना चाहिए। और सिर्फ एक ले लो, एक ही काफ़ी है। एक लेने के बाद ही ये इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई होते रहते हैं, नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं इनके, कि मैं क्या बताऊँ। एक ले लो और उसके बाद अपने आप ही बहुत सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सिंगोनियम, बहुत अच्छा प्लांट है। जितने भी प्लांट मैं आपको बता रही हूँ ईजी टू ग्रो है, कटिंग से ग्रो हो जाते हैं और आपके आसपास की जो हवा है उसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बहुत सारे प्लांट के नाम मैं गिनवाने वाली हूँ, देखते जाना। ये है ड्रेसेना फैमिली का प्लांट, ये भी ड्रेसेना फैमिली का प्लांट है, ये भी ड्रेसेना फैमिली का। बहुत सारी वैरायटी होती है, आप इनको आसानी से ग्रो कर सकते हो। और ये देखिए हमारा फाइकस की वैरायटी है सारी की सारी। ये सब जितने भी प्लांट आपको दिख रहे हैं सब मैंने कटिंग से ग्रो किए थे, आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए ये भी एक कटिंग ही है, ये देखिए ये भी मैंने कटिंग ही लगा रखी, तो बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। क्रूटोन प्लांट, ये देखिए क्रूटोन है, इसमें भी दो तीन तरह की वैरायटी आती है, हवा को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, कुछ भी आप किसी भी तरह से गिन सकते हो। मेरे तो आउटडोर भी बहुत अच्छे चलते हैं, इंडोर भी बहुत अच्छे चलते हैं। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा ये हमारा स्पाइडर प्लांट है, ये भी इंडोर प्लांट है लेकिन हवा को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये। और इसी में मैंने लगा रखा है मनी प्लांट। आप बिलीव नहीं करोगे, ये टोकरी मेरे पास 5-6 सालों से है और इसी से ही मैं निकाल निकाल के ये दोनों प्लांट अलग अलग जगह लगाती रहती हूँ। रबर का प्लांट आप कैसे भूल सकते हो, ये देखिए रबर का प्लांट बहुत अच्छी तरीके से आपकी हवा को साफ़ करेगा। और आप देख सकते हो बहुत बहुत सारे प्लांट है मेरे पास और सब के सब मैंने अधिकतर कटिंग से ग्रो किए हैं। कोई एक आधा ही मेरे पास एक आधा ही प्लांट होगा, उसके बाद मैंने सब मल्टीप्लाई किया। एलोवेरा का प्लांट है और ये है डिफेनबेचिया, बहुत अच्छा प्लांट है, आपकी हवा को साफ़ करता है, आपकी ज़िंदगी को लंबा बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ देखिए फिर से हमारा ड्रेसिना का प्लांट आ गया है और ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था। उसके बाद है हमारा स्नेक प्लांट, ये भी आपकी हवा को साफ़ करने में, आपकी ज़िंदगी को लंबा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये दो तरह की वैरायटी है मेरे पास, ये देख सकते हो, ये बिल्कुल बड़े साइज़ का है, ये ड्राफ्ट वैरायटी है, तो आप कोई सा भी ले सकते हो। और यहाँ भी आप देख सकते हो डिफेनबेचिया की मैंने कटिंग ही लगा के रखी है ये सब। और ये ड्रेसेना प्लांट है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ग्लोई बेल इस टाइम पर सूख गई है लेकिन वो भी बेस्ट ऑप्शन है। आप इस टाइम पर इसको ग्रो करके देख सकते हो लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं ग्रो होगी क्योंकि मैं भी देख रही हूँ 4-5 सालों से कर रही हूँ गार्डनिंग, तो ग्लोई बेल बेस्ट ऑप्शन होता अगर गर्मियाँ होती। अभी सर्दियाँ हैं तो ये नहीं चलेगी, तो इसीलिए आप इसको अभी मत लगाना। और ये देखिए हमारा मनी प्लांट, नासा ने भी रेकमेंड किया है कि आपकी हवा को साफ़ करता है, साफ़ सुथरा बनाता है और आप इसको ज़रूर ग्रो करके देखो। तो मेरा जितना भी मनी प्लांट है ना वो मैंने यहाँ से नीचे की तरफ हैंग कर रखा है, ये देख सकते हो आप। और ये देखिए स्पाइडर प्लांट है और ये सारे मनी प्लांट है, ये सिंगोनियम है, ये सब कुछ मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि अपनी ज़िंदगी को लंबा करो, अपने हवा को साफ़ करो, तो ये सारे प्लांट अपने घर में या अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो देख सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।